आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में नमन वंदन शासनपति समान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन आत्मप्रिय मुनिवृंद आत्माति साधक साधिकाओं जीनवाणी के सार ग्रंथ तत्व सूत्र के अष्टम अध्याय बंद तत्व का वर्णन चल रहा है जिसमें हमने प्रकृति बंद और स्थिति बंद का वर्णन सुना आज है हमारा अनुभाव बंद। बंद के चार प्रकार में दो प्रकार का विस्तार से चल सक तीसरा है अनुभाव सूत्र क्रमांक बाईस में दिया है विपाको अनुभाव विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव है पाक यानी पकना है ना विपाक यानी विशेष रूप से जो पक गया जैसे पेड़ पे फल पक गया तो क्या होगा वो गिरेगा ऐसी जो कर्म हमारे साथ लगा उसका काल पूर्ण हो गया अब वो खिरेगा यानी आत्मपदेशों से अलग होगा उसको विपाक कहते हैं और विपाक किसके आधार पर बनता है तो वो अनुभव के आधार पर विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभव है विभिन्न प्रकार के पाक यानी उदय विपाक है और विपाक को ही अनुभाव कहते हैं पूर्वोपार्जित शुभाशुभ कर्मों का जिस रूप में फल प्राप्त होता है पूर्व में जो हमने उपार्जित कर्म किए है शुभ या अशुभ उनका जब फल आता है काल पकने पर तो जो फल प्राप्त होता है उसकी उस रूप में फल देने वाली विशेष शक्ति को अनुभाव कहा जाता है जिस रूप में हमने बांधा उस रूप में वापस जो वो फल देता है उस शक्ति को हम अनुभाव देते प्रकृति स्थिति स्थिति माने काल मर्यादा अब अनुभव उस समय में कैसे आपके भाव बनेंगे अभी आप सामान्य बैठे और अचानक कोई एक तिनका आपको डाल दे एकदम से भाव आपके बदल जाते हैं निमित्त तो वो खाली तिनका डालने वाला पड़ा पर हमारे अंदर में जो अग्नि पड़ी हुई थी कषाय की वो एकदम से उदय में आई कषाय और हम उसमें भाव में बह गए और वहाँ पे हमने स्वभाव में रह जाते तो वो कषाय का कर्म निकल जाता क्षय हो जाता लेकिन हम विभाव में चले गए तो वो तो निकला लेकिन साथ में हमने नया बंधन डाल दिया उसका निर्माण अनुभव बन कहलाता है कर्मों के जैसे नाम होते हैं वैसे ही उन्हीं नाम वाले अनुभव बनते हैं फल देने की जो विविधता परिलक्षित है वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव के निमित्त से है और फिर कषाय की तीव्रता और मंदता के होने से कर्म के आश्रम में विशिष्टता पने से है जिसमें कर्म उदय में अंतर पड़ता है शुभ परिणामों की अधिकता होने से शुभ प्रकृतियों में अधिक रस पड़ता है और अशुभ परिक्रा प्रकृतियों में मंद रस पड़ता है तो अशुभ परिणामों के अधिकता होने से अशुभ प्रकृतियों में अधिक रस पड़ता है और शुभ प्रकृतियों का मंद रस पड़ता है इस प्रकार परिणामों की विविधता से बंध में भी अंतर पड़ता है आठ मूल कर्मों का अनुभव स्वमुखी होता है अर्थात प्रत्येक कर्म अपने रूप में ही अपना फल देता है यानी ज्ञानावर्णी का कर्म है तो ज्ञानावर्णी के रूप में ही फल देगा दर्शनावर्णी का दर्शन एक दूसरे में क्रॉस नहीं होंगे अंदर की मूल प्रकृतियों में परिवर्तन चलेगा आगे आएगा इसका नाम अर्थात प्रत्येक कर्म अपने रूप में ही अपना फल देता है एक मूल कर्म दूसरे मूल कर्म रूप में होकर फल नहीं देता मूल कर्म कितने हैं आठ कर्म है ना तो आठ कर्म आप कर्म कर्म एक ही कर्म आपस में तो प्रकृतियों में परिवर्तन चलेगा लेकिन ज्ञान का दर्शन में दर्शन का मोह में ऐसा बदलता नहीं है यहाँ एक बात ध्यान देने है कि योग्य कि आठ मूल कर्मों में जो उत्तर प्रकृतियाँ हैं उनमें जो प्रकृतियाँ एक जाति की है वे परस्पर अदल बदल कर भी फल देती है उत्तर प्रकृतियों में कैसे आगे आएगा स नाम वह अनुभाव कर्मों के अपने अपने नाम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकृति यानी स्वभाव के रूप में वेदन किया जाता है प्रकृतियों के नामानुसार अनुभव जो कहा गया है वह मूल प्रकृतियों में तो सर्वत्र नामानुसार ही होता है परंतु उत्तर भेदों में दूसरे समान जातीय कर्मों के अनुसार भी अनुभव हुआ करता है जैसे अप्रत्याख्यानावरण अप अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण ये जो कषाय हैं ये संज्वलन रूप में होकर भी फल दे सकते हैं बांधे आपने अप अनंतानुबंधी में प्रत्याख्यानावरण में अप्रत्याख्यानवरण अप पर आपने जब वो उदय में आए आप साधना में रहे स्वभाव में रहे तो वो जो भारी कर्म है जो कई बार कहते हैं निकाचित कर्म टूटता नहीं है लेकिन वो हल्का होकर के संज्वलन बल के निकल जाता है जैसे भगवान महावीर ने शीशा डाला तो शीशा तो नहीं डालवाना पड़ा शीशे के बदला शीशा होना चाहिए लेकिन वहां पे वो कितने में निकल गया एक लकड़ी के तिनके में निकल गया तो वो उनका जो अनंत में बांधा था भोगना पड़ा लेकिन संज्वलन में निकल गया वो अपने स्वभाव में रहकर करके उसको मति ज्ञानावरण श्रुद्ध ज्ञानावरण रूप में उदय में आता है यानी ज्ञानावरणीय कर्म कहे तो मति ज्ञानावरण का श्रुद्ध ज्ञानावरण में उदय में आता है इसको परमुख के फल देना कहा जाता है लेकिन आयु कर्मों में परस्पर परिवर्तन नहीं होता है आयु कर, आयु कर्म में नरक का तिरंज में तिरंज का मनुष्य में ऐसा नहीं होता नरक वाले को नरक ही भोगनी पड़ेगी तिरंज वाले को तिरंजी भोगनी पड़ेगी मनुष्य वाले को मनुष्य की देह वाली उसमें संक्रमण नहीं होता ये अपवाद है जो मेन मूल ने बताया यानी किसी भी नरकायु का बंद किया और उसको मनुष्यायु या तिरंजायु के रूप में मिले यह संभव नहीं है उसे नरकायु ही में जाना पड़ता है दर्शन व चारित्रमोनी में भी परस्पर नहीं है क्रोसिंग दर्शन मोहनि दर्शन मोहनी में ही परिवर्तन मिथ्यात्व मिथ्यात्मोहनी संयुक्त मोनि मिश्र मोनी इनमें तो चलेगा लेकिन चारित्र मोनि में जाकर के वो नहीं परिवर्तन होगा जैसे मिथ्यात्व मिथ्यात्मोनी अनंतानुबंधी आदि रूप में से और अनंतानुबंधी आदि मिथ्यात्व मिथ्यात्मोनी के रूप में फल नहीं दे सकते इस प्रकार दर्शन मोहनि चारित्र मौनि का भी परस्पर अनुभाव बदलना नहीं है शेष उत्तर प्रकृतियों में निमित्त मिलने पर स्वजातीय रूप बदल भी जाता है इसी तरह सभी कर्मों में और उनके भेदों का नाम सार्थक है नाम के अनुसार ही उनका फल मिलता है अनुभव बंद के बारे में बताया अनुभव यानी क्या विविध प्रकार के फल देने की शक्ति जो फल देने की जो कर्म की शक्ति उसको अनुभव कहते हैं शक्ति का पढ़ना किस रूप में अपने अपने नाम के रूप में फल यानी उदय देकर क्या होता है निर्जरा होती आत्मा से कर्म के संबंध का अभाव हो जाता है जो कर्म कभी आत्मा के साथ जुड़ा था वो जब निर्जरा हो जाती है मतलब उसका आत्म प्रदेश विच्छेद हो गया पुद्गल पुद्गल में मिल गए और जीव अपने स्वभाव में आ गया ये उदय आने के ऊपर स्वभाव का इतना बड़ा फायदा अनुभाव बंद शुभ परिणाम पुण्य में अधिक और पाप में कम और अशुभ परिणाम पुण्य में कम और पाप में अधिक अनुभाव की प्रवृत्ति स्वमुख अपने अपने स्वभाव रूप में उदय में आना और परमुख अन्य कर्म रूप में उदय में आना जैसे असातावेदनीय सातावेदनी के रूप में बदल जाती है आप पढ़ते हो कई बार ऐसे ये कार्य करो तो असातावेदनी सातावेदनी में बदल जाए ऐसी वंदना करो तो नीच गोत्र उच्च गोत्र में बदल जाए तो ये आपस में संक्रमण है कर्म प्रकृतियों में एक ही तरह है गोत्र गोत्र में चलेगा नाम नाम में चलेगा लेकिन नाम का गोत्र में नहीं गोत्र का नाम में जिनका नियम से स्वमुख का उदय होता है मूल प्रकृतियाँ और आयुष कर्म दर्शन और चायित्रमौनी करा ततश्च निजरा इसके बाद क्या हो जाता है जब अनुभव में आता है तब क्या हो जाता है कि वो कर्म निर्जरा हो निर्जित हो जाते हैं जो कर्म उदय में आकर अपना तीव्र या मंद जो कर्म अपना उदय में आकर अपना तीव्र या मंद फल देने के उपरांत वह कर्म आत्म प्रदेश से अलग हो जाता है अर्थात फिर वापस नहीं टूटता यही कर्म निजरा कहलाती है कर्म निजरा ने किया कर्म जो उदय में आ गया चाहे वो तीव्रता से आया चाहे मंदता से आया फल दे दिया उसके बाद वो आत्म प्रदेशों से अलग हो गया अब उस पुद्गल का और इस आत्म प्रदेश का कोई वास्ता नहीं रहा काल पक गया फल जैसे आम पेड़ के ऊपर पक गया और नीचे गिर गया अब उस फल का और आम का कोई संबंध नहीं रहा जब तक जुड़ा हुआ था तब तक संबंध था नीचे गिर गया यानी उस आम की उस पेड़ से निजरा हो गई उस पेड़ के साथ जो संबंध था वो अलग हो गया यही कर्म की निजरा कहलाती है कर्म निजरा दो प्रकार की हो सकती है एक क्रम से उदय काल आने पर कर्म का अपना फल देकर जड़ जाना जिसे सविपाक निजरा कहते हैं दो प्रकार की निजरा बताई सविपाक निजरा और अविपाक निजरा दूसरा है सविपाक निजरा तो काल पूरा होने के ऊपर जैसे आम आया पका पूरा पक कर के पेड़ से नीचे गिरा जो इतना समय लिया है वो है सविपाक निजरा अविपाक निजरा कौन सी है जैसे जिस कर्म का उदय काल तो नहीं आया किंतु तप आदि के माध्यम से कर्म को उदय में लाकर खिराया जाता है यह अविपाक निजरा इस बात को एक लौकिक दृष्टांत से पहली बात ही समझा है आम का पेड़ पर लगा जब स्वयं पक कर गिर जाता है वह सविपाक सव यानी विपाक के साथ कर्म निजरा है और दूसरी स्थिति यह कि आम के पेड़ से तोड़कर पाल में दबाकर जल्दी पका लिया जाता है वह अविपाक निजरा कच्चे पके सब तोड़ लिए और आपने उसको पकाने के लिए बोरी में ढक कर के या उस तरह से रख दिए तो वो जल्दी पक कर के आ गया तो वो कौन सी है वो अविपाक निजरा है सविपाक निजरा पेड़ पे पकेंगे कब और कब तैयार होंगे है ना कब गिरेंगे तो हम लोग जो तप करते हैं वो किस लिए करते हैं सविपाक निजरा तो सहज रोज में आपके कर्म उदय में आ रहे हैं वो आप स्वीकार कर रहे हो अब आपके पास समय थोड़ा है आयुष छोटी है कर्म अनंत पड़े हैं और आपको उत्साह आ गया अब आत्मबोध हो गया अब मुझे तो इसी भव में सारा काम करना है तब क्या करते है? आप बारह प्रकार के तपों के अनुष्ठान करते हैं अनशन से लेकर के ध्यान का तक के विभिन्न तपों के माध्यम से उस सविपाक वाले जो अभी विपाक में नहीं आए उनको अविपाक जरा में बुला करके जल्दी तैयार करके कर्मों को क्या करते उद्दीर्णा कहते उसको उद्दीर्ण करके क्षय कर देते क्योंकि एक एक कर्म कब उधर आएगा हम इतने कब इंतजार करेंगे हमारे पास तो इतना समय है नहीं है तो उपाय क्या है उपाय यह है कि आप अविपाक निज़रा करो है ना इसीलिए कहा भगवान ने भगवान ने किसी भी धार्मिक क्रिया का अनुष्ठान का तप का विरोध नहीं किया भगवान ने यह फरमाया कि आत्मा की साक्षी में अगर तुम क्रियाएं करोगे तप करोगे तो महानिर्जरा का कारण आत्मा की साक्षी के बिना आत्मा का बोध नहीं है और केवल सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं तो वो केवल पुण्य का कारण बने हमारा उद्देश्य क्या है अभी हम क्या कर रहे हैं क्यों आपको समझाते हैं कि तुम आत्मबोध के लिए तो तुम्हारे पास समय नहीं है और एक सामायिक दो सामयिक एक उपवास एक एक अट कर ली तो आप सतृप्त हो जाते हो मेरे जैसा धार्मिक कोई नहीं है जबकि आत्मबोध की है वो चौबीसों घंटे चलती है और जिस समय आपको लगे कि मुझे अविपाक करना यानी कर्म दबे है मुझे निकालने हैं तो आप तप अनुष्ठान में आ जाते हैं बाई और आभ्यंतर बाहर से शरीर तपता है तप के तीन लेवल है शरीर के स्तर पर मन के स्तर पर और आत्मा के स्तर पर तीन तल है अब आप कौन से तल के ऊपर ज्यादा महत्व देते हो जो लोग आते हैं महाराज मेरे से तप नहीं होता है वो कौन से तल पे हैं वो पहले तल पे शरीर के स्तर पर नहीं हो रहा है अभी मैं रविंद्र जी को कहा आप अठाई करोगे मेरे से नहीं होता तो पहले तल पे क्या है शरीर का तल दूसरे को कहोगे वो कर लेता है बोले मैं अठाई क्या मास्क मन कर देता हूं अब पर उससे अगला कौन सा है शरीर से अगली स्टेप कौन सी है मन की है अब मन के लिए कहीं पर भी कोई दिक्कत है क्या कोई भी व्यक्ति हो मन का तप करना है अब शरीर से बड़ा तप मन का है या मन से बड़ा शरीर का तप है तो इसका मतलब शरीर का नहीं करना ऐसी बात नहीं है शरीर का करना उसके साथ साथ मन को भी क्या करना संयम में लाना तो आगे के जितने है अनशन के आगे के सब मन को वश में करने के मनोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग सब पे मन को कंट्रोल करना पड़ता है ना कम खाना है सामने भोजन बीस प्रकार का पड़ा है और आपको कहा कि आपको पांच आइटम से ज्यादा नहीं लेनी है और उसमें भी सेवेंटी फाइव परसेंट ही भूख भरनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट छोड़ना है तो कितना मन पे संयम चाहिए मन तो कहता है ये भी खा लो ये भी खा लो ये भी खा लो अब इनमें से चॉइस करके इतनी लेनी है अब चॉइस की उसमें भी कम करनी है और थोड़ी भूख रखनी है तुम्हारे तो मन पे कंट्रोल ऐसी रसप्रत्याय का ऐसी वृत्तियों को संक्षिप्त करना ये सारे मन पे कंट्रोल उसके बाद कर दिया मौन मन मन तो कर रहा है मैं बातें करूँ इससे बोलूँ इससे बोलूँ आपने वहाँ पे मन पे कंट्रोल करके नहीं आज मैं मौन रहूँगा अब जैसे आपने मन लिया और आपके परिचित लोग आ गए आपसे अपेक्षा रह गए आपके इतने सारे काम आ गए अब आपकी वहाँ परीक्षा हो रही है मन कहाँ जा रहा है देखो है ना तो वहाँ मन आपने वाणी से तो मन कर लिया लेकिन मन भटक रहा है फिर भी तो उसके बाद प्रतिस्लिनता के बाद अंतर का आत्मा का शुरू होता है वहाँ पे मन पे हमने थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाया अब आत्मा की साक्षी में प्रायश्चित आत्मा का बोध नहीं है तो आलोचना होती है क्या आलोचन आत्मा की साक्षी में विशेष प्रकार से देख करके आलोचना करो प्रतिक्रमण करो प्रायश्चित करो है ना विनय व्यावत स्वाध्याय ध्यान ये सब मन के पार जाने के लिए है ना मन को हमने इग्नोर किया और मन के पार जा करके आत्मा को आत्मा में स्थित करना वहाँ पे ध्यान का उस अंतर तप जो है वो आत्मा के तल के है उन से लेकर के प्राय तक मन के तर् के ऊपर है और आगे मन के पार वहां पे तो मन को कंट्रोल कर रहे थे अब तो मन को ही इग्नोर कर दिया और मन के पार चले गए जैसे नदी के उस पार चले गए एक बार तो नदी में उतर गए वहां पे मन का युद्ध चल रहा है शरीर और मन और उसके बाद नदी के उस पार चले गए तो अब मन का भी कोई काम नहीं है शरीर का भी कोई काम नहीं है अब सीधा सीधा आत्मा इसलिए सामायिक में आत्मा की बात की थाने नम मोनेम झाने नम में काया मोने में मन का मौन और जाने ना में इन दोनों को क्रॉस करके आत्मा को आत्मा में स्थित कर लो ये सामायिक सबसे उच्च साधना है सबसे उच्च साधना अगर जैन दर्शन की है तो वो सामायिक की है सामायिक एक व्रत है और साथ में ध्यान शुक्ल ध्यान का तप मिल जाता है तो सामायिक पूर्ण होती है शुक्ल ध्यान के तप में एक घड़ी और दो घड़ी आत्मा आत्मा में स्थित हो जाए शायद संकेत और केवल ज्ञान को पा लेती है फिर आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं सब सहज हो जाती है

यह पाप की निर्जरा व पुण्य का बंध होता है अकाम निर्जरा में अब प्रदेश बंद नाम प्रतियता सर्वतो योग विशेषा विशेषात सूक्ष्मिक क्षेत्र स्थित सर्वात्म प्रदेश अनंत प्रदेश कर्म प्रकृति के कारणभूत सूक्ष्म एक क्षेत्र के अवगान करके रहे हुए त अनंत अनंत प्रदेश वाले पुद्गल योग विशेष से सभी ओर से सभी आत्मदेशों से बंद को प्राप्त होते हैं बंधन कैसे होता है प्रदेश का प्रकृति स्थिति अनुभव की बात होगी अब प्रदेश यानी जो लड्डू के छोटे छोटे कण हैं उसको प्रदेश कहते हैं लड्डू के दृष्टांत से समझाया था सबसे पहले बंधन कैसे होता है है ना तो प्रकृति में लड्डू की प्रकृति सौंठ का है कि मेथी का है कि बूंदी का है है ना प्रकृति स्थिति ये कितने दिन टिकेगा अनुभव ये कड़वा ज़्यादा है कि मीठा ज़्यादा है कि कम है कि कैसा है शुगर वालों के खाने लायक है कि नहीं है कि एकदम अति मीठा है बाजार का लड्डू लाओगे तो कितना मीठा मिलेगा एक किलो में एक किलो चीनी डालेगा घर वाला बनाएगा तो एक किलो में पाओ किलो डालेगा और शुगर पेशेंट को देगा एक किलो में पचास ग्राम डालेगा भाई उनको ज़्यादा तो जिसको जैसा चाहिए वैसा वो में यानी रस और स्थिति यानी चाशनी कितने समय तक वो टिकेगा अब प्रदेश उसमें कण कितने हैं लड्डू में एक लड्डू में सौ है कि हजार है कि दो हजार है कितने कण हैं उस कण की अपेक्षा से यहाँ बात कर रही जीव अनंत अनंत पुद्गल स्कंदों के सर्व भागों में कर्म सर्व भागों में प्रत्येक समय में अपने साथ मानता है जिसे प्रदेश बंद कहा जाता है अनंत अनंत पुद्गल स्कंदों को पुद्गल के जो स्कंद है एक पुद्गल तो बहुत छोटा है परमाणु है पकड़ में नहीं आएगा तो वो जो स्कंद है उसकी, उसकी बात करें अनंत अनंत पुद्गल स्कंदों के सर्व भागों और प्रत्येक समय में सर्व भागों और प्रत्येक समय काल का कितना छोटा समय है उसके सभी भागों में और प्रत्येक समय में अपने साथ बांधता है जीव जिसे हम प्रदेश बंद कहा जाता है वे कर्म प्रदेश ज्ञानावरण आदि सभी कर्म प्रकृतियों के कारण हैं यानी जैसे ही वे बनते हैं वैसे ही आयु को छोड़कर से सात रूप हो जाते हैं यानी आठ आयु कर्म को छोड़ के जितने भी कर्म पुद्गल आते हैं उन पुद्गलों को सात भागों में विभाजित होता है ज्ञान में दर्शन में चरित्र में ऐसे आठों और यदि उस समय आयु कर्म का भी बंद होता है तो आठों रूप हो जाते हैं कर्म प्रदेश कब बनते हैं इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि कर्म प्रदेश सब भवों में बनते हैं कोई भी भवो हर भव में कर्म के प्रदेश आत्मा की ओर अभिमुख होते हैं और बनते हैं ऐसा कोई भव नहीं और एक भव भी में ऐसा कोई क्षण नहीं ऐसा कोई भव नहीं और ऐसा कोई क्षण नहीं जब कर्म बंधन न होता हो अब देख लो अनंत की यात्रा में ऐसा कोई भव नहीं जहाँ बंधन न हुआ हो ऐसा कोई समय नहीं क्षण याने समय छोटा उतने ऐसा नहीं जहां पे बंधन न हुआ हो यानी बंधन चौबीसों घंटे चल रहे हो अब निर्जरा हम कितने कर रहे इस प्रकार अनंत अनंत पुद्गल स्कंद प्रति समय प्रत्येक जीव के साथ बंधा करता है यह बंध कैसे होता है इसका उत्तर यह है योग विशेषात अर्थात यह बंद योग विशेष के निमित्त से होता है बंद का प्रमुख कारण योग है अंदर कर्म आने के रास्ते हैं योग योग कितने हैं ऐसे विस्तार में पंद्रह और ऐसे तीन मन वचन और काया ये योग जब चंचल होते हैं तो कर्म अंदर प्रवेश करते हैं आपको नम क्यों बताते हैं एक आसन में स्थिर हो जाओ क्यों बताते हैं कि आपके योग काया स्थिर हो गई मोनम अब मन भी स्थिर हो गया सबसे ज्यादा चलाए मन कौन है मन वाणी और ये काया तीनों स्थिर हो गए और आप आत्मा को आत्मा में स्थित कर लो तो आपका बंद रुक गया पहला काम क्या हुआ बंद रुक गया बंद रुक गया तो उस समय जो उदय में आ रहे थे कर्म जिनका काल पक गया गिरने वाले फल पक गए वो निर्जरित हो गए अब बंधन हुआ नहीं निर्जर का कार्य चालू है अभी आपने पहला काम क्या किया बंधन रोक दिया योग स्थिरता से और अब कर्म जो पुराने क्षय में आए अब आपने नया बंधन बांधा नहीं तो वो तो क्षय हो गए इतनी पूंजी तो कम हुई पुराने जो कार्मण शरीर के ऊपर इकट्ठी की थी इतनी कम हुई और उस समय में तीसरा अनुभव क्या आता है कि आपको अंदर से जो आत्मा के गुण हैं सुख प्रकटता है क्योंकि वो निजरा हुआ तो वहां से आवरण हटा तो आपको अंदर से सुख का अनुभव अनंत सुख का अनुभव एक्सपीरियंस खाली शब्द नहीं अनुभव में आया इसलिए कहते भगवान कहते जब जब तुम स्वभाव में होते हो तब तुम्हारे साथ ये तीन कार्य होते हैं बंधन रुकते हैं क्षय होता है और अनंत सुख का अनुभव होता है बंद का प्रमुख कारण योग है जैसा तीव्र मंद या मध्यम वेग रूप रहता है वैसा ही प्रदेश बंद हीनाधिक होता है यदि योग तीव्र हो तो प्रदेश बहुत बंधेंगे यदि योग मध्यम या जघन्य हो तो प्रदेशों की संख्या भी मध्यम या जघन्य होगी काय योग मनोयोग और वचन योग में से किसी योग की जहाँ पर अधिक संभावना हो होती है वहाँ पर ही प्रदेश सर्वाधिक होते हैं ध्यान देने योग्य बंधने वाले समस्त कर्म कर्मयोग्य स्कंद अनंत अनंत परमाणु के ही बंधे बने होते हैं कोई भी संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु का बना हुआ नहीं यानी जितने भी कर्म योग सब कर्म योग्य पुद्गल जो है अनंत अनंत पुद्ग, पुद्गल परमाणु से दसवें गुणस्थान के ऊपर जहाँ शेष सर्व कर्मों को बंद रुक जाने पर केवल सातवें वेदनी का बंद रह जाता है वहाँ भी प्रदेश प्रति समय अनंत अनंत ही वो आते हैं ये कर्म प्रदेश सूक्ष्म होते हैं स्थूल नहीं होते जिस आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश रहते हैं उसी आकाश प्रदेश में कर्मयोग्य पुतगल भी स्थित हो जाते हैं ये कर्म योग्य पुद्गल किस आधार में से स्थित हो जाते हैं कर्म प्रदेश आत्मा के किसी एक भाग में आकर नहीं रुक रहते किंतु आत्मा के समस्त प्रदेशों में ऐसे गुण मिल जाते हैं जैसे दूध में पानी दूध पानी एक एक अलग अलग है लेकिन गुल मिल ऐसे जाते कि एक हो गए वैसे लगते हैं पर आप प्रयोग करते हो तो दूध अलग और ऐसे आप प्रयोग करते हो तो कर्म अलग और आत्मा अलग जब आप प्रयोग में जाते हो तो आत्मा और कर्म का भेद कर कर करके अनुभव कर ये भेद ज्ञान इतना गहरा है कि वहाँ एक एक आत्म प्रदेश अलग और ऊपर लगे हुए अनंत कार्मण पुद्गल जो कर्म कर्मवृ लगी हुई है वे सब भिन्न है लग रही है दूध पानी एक जैसी लेकिन है अलग जैसे लोहे को गर्म कर लो अग्नि और लोहा लगता है एक हो गए लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा अग्नि अलग और लोहा इन कर्म प्रदेशों की सूक्ष्मता का अंदाज इस बात से लगता है कि इनकी अवगाना घना अंगुल के असंख्यात एक भाग क्षेत्र प्रमाण है यह कर्म प्रदेश अनंत अनंत परमाणु प्रति समय बनते हैं एक आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं प्रत्येक प्रदेश में प्रति समय अनंत अनंत प्रदेश बन जाते हैं पुण्य और पाप रूप कर्म रख दिया सद वेद्य सम्य हास्य रति पुरुष वेद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम सातावेदनी सम्यक्त हास्य रति पुरुष वेद शुभ आयु और शुभ नाम और शुभ गोत्र इतनी प्रकृतियाँ ही पुण्य रूपे से सभी पाप रूपे अब आपको लगेगा कि 148 कर्म की प्रकृतियाँ आठ कर्म हैं इनमें से पुण्य प्रकृतियाँ कौन सी है और पाप प्रकृतियाँ कौन सी है कहते भगवान कहते हैं अनंत अनंत पुण्य की कतारें लगती है तो तुमको ये साधना मिलती है तो कौन सी है सातावेदनी सम्यक्त हास्यरथी पुरुषवेद शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्र इतनी प्रकृतिया पुण्य रूप से सभी पाप रूप है पुण्य प्रकृतियां बयालीस है सतावेदनी तिरगायु मनुष्य आयु और देवायु ये तीन आयु एक उच्च गोत्र और नाम कोर की सैंतीस प्रकृतिया नाम करके की सैंतीस प्रक्रिया इस प्रकार है तो आगे इस तरह से चल है उपसंहार यहाँ पे हमने बंद प्रकरण को पूर्ण करते हैं यहां पाप प्रकृतिया बयासी है तो इस प्रकार ज्ञानावरण की पांच दर्शनावरण की यह सब एक भेद प्रभेद है जब जीव जब कर्मों के साथ बनता है तब बंद की स्थिति बनती है जीव स्वयं जाकर के कर्मों से बनता है कैसे बनता है विवाहों में जाकर के पर को अपना मान लेता है मन वचन गायक योगों को अपना मान लेता है फिर इनको चंचल करता है इनके साथ जुड़ता है और बंद करता है कर्म बंधन में बंद तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है इसलिए बंद तत्व को सावधानी के साथ समझना आवश्यक है आठवें अध्याय में बंध तत्व के बारे में गहराई के साथ चर्चा अभिदर्शित है इसमें सबसे पहले बंद के हेतु क्या है इसका वर्णन हुआ है क्योंकि बिना हेतु के जाने बिना बंद को समझा नहीं जा सकता इसलिए हेतुओं की चर्चा सबसे पहले की गई बंध प्रक्रिया में कषाय और योग ये ऐसे दो महत्वपूर्ण हेतु है, तो है जो जीव को कर्म से बांधे रखते हैं कषाय और योग योग से अंदर आते हैं और कषाय से चिपक जाते हैं जो लेशियाएँ हैं वो कषाय के कारण लेश यानी चिपकाने का काम करती है गोंद आपके पास हो तो आप लिफाफे को क्या कर देते हैं चिपका देते हैं और गोंद नहीं है तो लिफाफा खुला रहता है ऐसे ही प्रदेश आते हैं आप चिपकाते नहीं तो निकल जाते इस प्रकार पूर्वबद्ध कर्म के उद्देश्य जीव में रहते हैं ये ऐसे महत्वपूर्ण है तो जीव को कर्म से बांधे रखते हैं